बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर्चुअल संबोधन से विभिन्न विपक्षी प्रसंग पर आलोचना। इसरो पक्षर PSLV-C50 रकेट जगे संचार उपग्रह उत्क्षेपण आज केन्द्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति चीनी रप्तानी मिलवाकू 3500 कोटी टंकार लाभार्थ सीधासलख जीव आखु चाषी जमाखाता। मोदी सरकार नुआ कृषि आईन आणी चाषी को सब् प्रतबंधक मुक्त करिसेंति कहिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एवं आडिलेड्रे आज भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य आरंभ होउछि प्रथम गोलापी बॉल टेस्ट क्रिकेट। वर्तमान विस्तृत समाचार सह कृष्णप्रिया मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना सह भर्चुअल सम्मेलन में आलोचना करेंगे। यह अवसर में दुई नेता विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग विशेषतः कोरोना काल में दुई देशर संपर्क अधिक दृढ़भूत करने लगे आलोचना हो। भारत बांग्लादेश मध्य चारोटी बुझामणापत्र स्वाक्षरित होवार कार्यक्रम रही। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो पक्षर् आज अपराह्नरे आंध्रप्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सीतस धावन महाकाश केन्द्र PSLV-C50 रकेट जगे संचार उपग्रह उत्क्षेपण करा। पीएसएलवी रही 52वां मिशन तेबे एही उत्क्षेपण अनुकूल पाणीपाग परिस्थिति उपरे निर्भर करछि इसरो पक्षर् कहा। महाकाश पठा जाबक थिबा CMS-1 उपग्रह द्वारा टेली जोगाजोग व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हेबो। आखुचाषी मानकु 3500 कोटी टंकार सहायता जोगाइ देबार प्रस्ताव केन्द्र मंत्रिमंडलर अनुमोदन लाभ करिछि। ए संपर्करे सूचना दे केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कहिछन्ति जे देशरे एबे प्राय 5 कोटी आखुचाषी ओ सेमानक उपरे निर्भर करथुवा लोक अछन्ति। एहा सहित प्राय 5 लाख श्रमिक विभिन्न चीनिकल और सहायक शिल्पर काम करछन्ति। चाषी माने निज उत्पादित आखुकु चीनिकल मानक बिके देबा परे आउ किछि भी एथु पाउ नाहन्ति। तेणु सेमानक लाभ बढ़ाया पई सरकार चलित आर्थिक वर्षरे 60 लाख मेट्रिक टन चीनी रप्तानी करिवे। एही रप्तानीरु प्राय 3500 कोटी टंका मिलिबो एवं सेही अर्थ सब्सिडी आकारे सीधा सळक आखु चासेकु दिया जिवो। एबे देशरे चीनी बळका थिबारु ताहा रप्तानी हेले घरे बजारे अभाव रहिबो नाही। इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3500 चाषी आंदोलन अवसान पर एक कमिटी गठन उपरे सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वारोप करिछन्ते। ए संक्रांत मामलार विचार करि अवसर में सुप्रीम कोर्ट कहिछन्ति जे चाषी को आंदोलन जातीय स्वार्थ जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, यार आपोष समाधान पर एक कमिटी गठन करने को कोर्ट कहिछन्ति। दुई जन आईनजीवी और जने साधारण व्यक्ति पक्षर् सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर कर। चाषी मैंने आंदोलन करुथिबार गमनागमन ब्याहत हेबा सह साधारण जीवनयात्रा उपरे यार प्रभाव पड़िछि बोली दुई जन आवेदनकारी कोर्ट को जणाइछन्ति। अन्य जन आवेदनकारी दर्शाइछन्ति जे चाषी प्रसंग विशेषकर गुरुत्वपूर्ण होइथिबारु अदालत यार समाधान बाट बाहर करबा आवश्यकता रहिछि। एहि मामला उपरे सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करिछन्ति। आज पुणि एहि मामलार शुणाणी हेबो। मोदी सरकार नुआ कृषि आईन आणी दीर्घ दिनरु भारत वर्षर चाषीों पर समस्त प्रतबंधक दूर करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते। श्री प्रधान गत काली मध्यप्रदेश इंदोर अनुषित कृषि सम्मेलन में उद्बोधन दे कहते जे कृषि उत्पादित सामग्री उपरे सर्वनिम्न सहायक मूल्य MSP बंद होवार प्रश्न उठुना। पूर्व चाषी मैंने निजर उत्पादित सामग्री को मंडी व्यतीत अन्य कौन स्थान बिक्री कर पार नथिले। चाषी निज जमी सुरक्षित नथिला। मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार यह समस्त प्रतबंधक दूर करिछन्ति बोली केन्द्र मंत्री श्री प्रधान कहिछन्ति। टेलिकम स्पेक्ट्रम निलाम करने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गत काली अनुषित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नियाजाइछि। एक सांबादिक सम्मेलन में ए संपर्क में सूचना दे केन्द्र आईन मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद कहते जे परवर्ती पर्याय स्पेक्ट्रम निलाम प्रस्ताव को कैबिनेट रे अनुमोदन मिली।
2021 मार्च रे ही नीलाम करा जिवो सर्वाधिक नीलाम धरे को स्पेक्ट्रम आवंटन करा जिवो व्यवसायिक मोबाइल सेवा प्रदानकारी को सुविधा देबा पई एही नीलाम करा जिवो बोली से कहिछंती 700 मेगाहर्स 800 मेगाहर्स 900 मेगाहर्स 1800 मेगाहर्स 2100 मेगाहर्स 2300 मेगाहर्स एवं 2500 मेगाहर्स फ्रिक्वेन्सी रो 20 वर्ष पई नीलाम करा जिवो को निष्पत्ति नै जाय छि एही सब स्पेक्ट्रम रो मूल मूल्य 39,23,000 32 कोटि 70 लाख टंका रखा जाय छि बोली श्री रवि शंकर प्रसाद कहिछंती 900 1800 2100 2300 और 2500 मेगाहर्ट बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान को फेसबुक मुख्य तथा अमेरिकार मीडिया उद्योगपति मार्क जुकरबर्ग प्रशंसा करिछंती। डिजिटल इंडिया अभियान रे शिल्पपति मुकेश अंबानी का सह से किभली सहयोग करि परिबे एवं एहार लाभ ग्रामांचल रे पहुंचिबो सेने आलोचना होइथिला। एहा परे से जुकरबर्ग कहिछंती जे डिजिटल इंडिया अभियान भारत रे ऑनलाइन कारोबार लागि व्यापक सुजोग सृष्टि करिछंती। भारत एभली एक देश जेउठी आर्थिक टेक्नोलॉजी रो विकास लागि पर्याप्त सुजोग रहिछि। देशरे दक्ष ओ प्रतिभा संपन्न युवगोष्ठी रहितबारु व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य अनेक उन्नति घटिबो। उभय पक्ष मध्ये रे सृजनात्मक व्यवसाय मॉडल संपर्क रे मध्ये आलोचना होइथिला। More economic opportunity and better outcomes for people. And a lot of Indian organizations are leading the way in using technology to build safer communities and more inclusive financial systems. And whether it's in social commerce or education or financial services, there is a lot of innovation. देशरे बिजुली शक्ति उत्पादन एवं आवंटन व्यवस्था को सुसंगत करने भारत अमेरिका सह एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर कर ए संक्रांत एक प्रस्ताव गत काली केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन लाभ करपत्ति अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अमेरिकार फेडराल एनर्जी रेगुलेटरी कमिशन सह एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर कर तदनुसार द्विपक्ष मध्य विद्युत क्षेत्र में पारस्परिक स्वार्थ जड़ित विषय तथ्यर आदान प्रदान हो संपर्क सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं यहाद्वारा भारतीय विद्युत क्षेत्र लाभवान ये सब काम बढ़ेंगे और बिजली की विश्वसनीयता और ज़्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है, तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे। इसमें 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। अवशिष्ट समाचार विज्ञापन पर विश्वर सर्वबृहत अक्षय शक्ति पार्क ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପାର୍କରୁ 30,000 ମେଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୌର ଏବଂ ପବନ ଚାଳିତ କଳରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଯାହାର ଆୟତନ ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆୟତନଠାରୁ ଅଧିକ। କଚ୍ଛରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
लक्ष लक्ष सौर प्यानेल एवं पवन कलमान प्रतिष्ठा करजिव एथिरु जे अक्षयशक्ति मिलिबो ताहा परिवेशर सुरक्षा दिगरे मध्ये सहायक हेबो परिवेश प्रदूषण को जथेष्ट परिमाण ह्रास करिबो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात गस्त काळरे एही पार्क उद्घाटन करथिले। एही अवसर से कहिथिले जे 2030 सुद्धा देशरे 450 गीगावाट अक्षयशक्ति उत्पादन लक्ष्य रखा जायछि। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट, बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये भी समय से पहले पूरा होगा ये मेरा विश्वास। अब इस समाचार विज्ञापन पर हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देशर विभिन्न स्थान रहिथिबा आकाशवाणी केन्द्र मध्यरु किछि केन्द्रक बन्द कर दिआजिबो बोली हेतु अपप्रचारक केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर दृढ़ भाव खंडन करिछन्ति। से कहिछन्ति जे आकाशवाणी केन्द्र आम सांस्कृतिक ऐतिह्यर एक बड़ वैभव, ए प्रसारण ऐतिह्यक कदापि बन्द कराजिबो नाही, बरं आकाशवाणी केन्द्रगुडिक सुदृढ़ कराजिबो, जनसाधारण पाखरे त्वरित खबर और सूचना पहुँचाइबा और लोकंक सचेतन कराइबारे आकाशवाणी भूमिका महनीय, तेणु रेडियो स्टेशन को बन्द कराजिबो नाही बोली केन्द्र मंत्री श्री जावडेकर स्पष्ट कर दैछन्ते। केवल रिले स्टेशन बन के रह जाएंगे, मैं साफ करना चाहता हूँ ऐसी कोई भी योजना भारत सरकार ने नहीं बनाई है। हम तो आकाशवाणी को मजबूत करने में जुटे हैं, ना कोई स्टेशन बंद होगा, ना कोई डाउनग्रेड होगा, ना कोई केवल रिले रूप बदलेगा और केवल रिले सेंटर बनेगा। सभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही आकाशवाणी केंद्र जारी रहेंगे। सो दैट इज अवर क्लियर प्रॉमिस। टुडे आई रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो एंड वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। There is a deliberate attempt by somebody to spread the rumor, the fake news that we are closing down some air all India radio stations and we are downgrading some and we are also making convert some into relay center, but we are not doing anything like this. देशरे कोरोना संक्रमण रो आरोग्य हेउथे व्यक्तिमानक संख्या बढी बढी चालिछि। अपरपक्षरे संक्रमण हार मध्य विभिन्न राज्यरे कमुथवा लक्ष्य करा जायछि। आईसीएमआर रिपोर्ट अनुसार सारा देशरे सक्रिय कोविड आक्रांतक संख्या 3,32,000 रहिछि। गतकाली 10,85,000 अधिक नमूना परीक्षा करा जायछि, सेथिमध्यरु मात्र 26,382 जन करोना आक्रांतक चिन्हट करा जायछि। तबे सेही समय मध्यरे आरोग्यक संख्या 33,813 रहिछि। गत 17 दिन हला देशरे दैनिक करोना आक्रांत संख्या 40,000 तले रहिछि। देशरे करोना आरोग्य हार 95.21% रहिथिबा आईसीएमआर पक्ष सूचना दिया जायछि। राज्यरे दिनक मध्यरे 358 जन करोना आक्रांत सुस्थ होइछन्ति। याकु मिसाई पर्यंत 3,20,208 जन करोना रोगी सुस्थ हेलेनि। एबे 2,715 जन करोना आक्रांत चिकित्साधीन अछन्ति। गतकाली आउ 407 जन नुआ करोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति, सेथिमध्यरु 236 जन संक्रमित केन्द्रर, अवशिष्ट 121 जन स्थानीय संक्रमित बोली राज्य सूचना लोकसंपर्क विभाग पक्ष सूचना दिआजाइछि। बर्तमान सुद्धा ओडिशारे 64,68,957 कोविड नमूना परीक्षा करा सारिलाणि। सेहिपरि गतकाली 5 जन करोना आक्रांत प्राण हराइछन्ति। एहाकु मिसाइ राज्यरे करोनाजनित मृत्यु संख्या 1,820 कु वृद्धि पाइछि। राज्यरे शिशु निखोज घटनारे राज्य बीजेपी साधारण संपादक लेखाश्री सामत सिंघारक नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल पुलिस महानिदेशक साक्षात कर एक दावीपत्र प्रदान कर। राज्य में 4,604 जन शिशु निखोज थे एनसीआरबी रिपोर्ट उल्लेख रही। ओडिशा पुलिस यह घटन निष्क्रियता प्रकाश करुं अभियोग कर पुलिस पक्ष घटनागुड़िक विधिवत तदन कर प्रतिनिधि दल दावी कर। शिशु अपहरण
आउ शिशुं को उपरे अत्याचार दुष्कर्म कथा बढ़ुवा बेले राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग तांकु खोजिबा पाई कि कौन उद्यम करिछि आउ केते शिशु कौ जिल्ला रे निखोज अछंती। एबे खेल खबर आजिठारु आडिलेड ओभालटारे भारत ओ अस्ट्रेलिया मध्यरे प्रथम दिवारात्र टेस्ट मैच खेलाजिबो। गोलापी रंगर बल्रे खेलिबागो थिबा एही मैच पई भारतीय दलर खेलाळी माने उत्साहित अछन्ति। इतिमध्यरे बीसीसीआई पक्षरु प्रथम टेस्ट खेलिबागो थिबा 11 जन खेलाळीक नाम घोषणा करा जाइछि। विराट कोहलीक नेतृत्वाधीन दलरे अजिंक्य रहाणे उप अधिनायक दायित्व तुलाइबे। एहा छडा मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विनी, उमेश यादव, मोहम्मद शमी एवं जसप्रीत बुमराह 11 जन तालिकारे सामिल होइछन्ति। भारतीय समय पूर्वाह्न 9:30 रे एही टेस्ट मैच खेला जिवो। समाचार शेष हेबा पूर्वरु मुख्य समाचार पुणि थरे। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना सह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वर्चुअल सम्मेलन आज विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग उपरे हेबा आलोचना। इसरो पक्षरु पीएसएलवी C-50 रॉकेट जगे संचार उपग्रह उत्क्षेपण आज। केन्द्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति, चीनी रप्तानी मिलवाक 3,500 कोटी टंकार लाभार्थी सीधासख जीव आखु चाषी जमाखाता को। मोदी सरकार नुआ कृषि आईन आनी चाषी को सब् प्रतबंधक दूर करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आडिलेड्रे आज भारत अस्ट्रेलिया मध्य आरंभ हो प्रथम गोलापी बल टेस्ट क्रिकेट। मास्क और सानिटाइजर व्यवहार कर सामाजिक दूरता रक्षा करूँ और करोनार दूरे रुंतु। आज समाचार ये रखुचु। नमस्कार।